आई होप यू आर फाइन बेटा। आज के क्लास सिक्स में आपको लेसन नंबर सेवन द फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया पढ़ने जा रही है, ठीक है। हमारे देश का पहला साम्राज्य है उसके बारे में आज आपको बताने जा रही हूँ। अब देखिए, सबसे पहला हमारे इसमें टॉपिक आता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हमें ये सोर्स कहाँ से मिल रही है, कहाँ से हमें पता चला है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कहाँ से पता चलता है। तो बेटा नेचुरली ये हमें बुक से ही पता चलता है, जो हमारी पुरानी बुक्स हैं वही हमें इंफॉर्मेशन देती हैं। अब देखिए, जो हमारा मगध था, मगधा एम्पायर, मगधा वाज द मोस्ट पावरफुल एम्पायर विच ग्रू आउट ऑफ द 16th किंगडम कॉल्ड महाजनपदास। जो मगध था वो बहुत बड़ा राज्य था और उसके 16 जनपद थे। अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बेटा टू बुक्स हैं हमारे, जो पुरानी हमारी बुक्स हैं वो टू बुक्स हैं जो हमें बताती हैं कि हमारे पहले मौर्य साम्राज्य कैसा था। दो बुक कौन सी है, एक इंडिका, फर्स्ट हमारी इंडिका बुक है जिसको मैग्नेथीज ने लिखा था। दूसरी है हमारी अर्थशास्त्र जिसको कि कौटिल्य ने लिखा है। जो अर्थशास्त्र है वो सारी हमारी राजनीति से संबंधित बुक है और इंडिका में पूरे देश की जानकारी है। अब ये दो, अब देखिए जो हमारी बुक्स है उनके अकॉर्डिंग जो कौटिल्य या चाणक्य जिसे हम कहते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है, वो बहुत ज्यादा माइंडेड पर्सनालिटी थे। कैसे, ही डिड दिस अंडर गाइडेंस ऑफ हिज मेंटर कौटिल्य हु वाज द मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ धनानंदा। धनानंदा की कोर्ट में ये मिनिस्टर थे, द लास्ट रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी जो लास्ट हमारे रूलर थे उनके साम्राज्य में कौटिल्य या फिर जिनका नाम हम कह सकते हैं चाणक्य, ये बहुत ज्यादा फेमस थे उस टाइम में। अब सेकंड हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको बताते हैं, अराउंड 300 BC देयर वाज अ थ्रेट ऑफ ग्रीक इन्वेजन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। लगभग 300 BC में हमारे यहाँ जो ग्रीक इन्वेजन थे, जो ग्रीक लोगों थे, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट को इन्वेड किया था और अलेक्जेंडर बहुत ग्रेट था और उसने अपने राज्य को बहुत ज्यादा बढ़ा भी दिया था। अलेक्जेंडर एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम मेडोनिया इन ग्रीस टू द बॉर्डर ऑफ द रिवर बीस ऑफ पंजाब। जो अलेक्जेंडर था उसने हमारे यहाँ पंजाब से एंट्री करनी शुरू कर दी और अपनी सीमाएं रेखाएं हमारे यहाँ बढ़ा ली। Alexander was tempted by the wealth of India and wanted to conquer India. Alexander जो था उसको हमारे देश की धन संपदा का पता था कि हमारे देश को पहले बेटा गोल्डन बर्ड कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि हमारे देश में बहुत धन था, कोहिनूर हीरा हमारे देश में ही था, ठीक। तो हमारा देश गोल्डन बर्ड था जिसकी वजह से जो और आस अड़ोसी पड़ोसी देश थे वो हमसे अट्रैक्ट हुआ करते थे और हमारे देश पर, मतलब हमारे देश पर अधिकार करना चाहते थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य वाज सक्सीड हिज सन बिंदुसारा हु रूल 297 टू 273 BC। ही वाज आल्सो ग्रेट कॉन्क्वायर एंड एक्सटेंडेड द एम्पायर फ्रॉम द हिंदू कुश इन द वेस्ट टू बंगाल इन द ईस्ट एंड द फ्रॉम द हिमालयस इन नॉर्थ टू नर्मदा इन द सेंट्रल एशिया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके जो बेटे थे बिंदुसार, उन्होंने साम्राज्य किया और अपने देश को हिमालय से लेके सेंट्रल इंडिया तक फैला दिया, नर्मदा नदी तक, यानी कि जो आप मानेंगे माउंटेन यानी जम्मू कश्मीर से लेकर लगभग नर्मदा नदी यानी कि महाराष्ट्र तक उन्होंने अपने साम्राज्य को फैला दिया था। अब नेक्स्ट है हमारे अशोका द ग्रेट। अशोक एक बहुत महान राजा थे, उनके बारे में आपको बताएंगे। King Ashoka came to the throne in 269 BC. He was the most famous of the Mauryan king. ये Mauryan king में बहुत ज़्यादा famous राजा थे। क्यों थे? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा great थे और इन्होंने अपने जीवन को एक युद्ध के बाद बिल्कुल ही बदल दिया था। वो युद्ध था कलिंगा का युद्ध। कलिंगा का युद्ध बहुत ज़्यादा famous युद्ध था। The Kalinga War was a turning point in Ashoka's life. Ashoka attacked Kalinga and conquered
इट आफ्टर अ फर्स्ट बैटल। कलिंगा का युद्ध बहुत ज्यादा फेमस युद्ध था। कलिंगा के युद्ध के बाद ही अशोक को, राजा अशोक को ये पता चल गया कि कितना नुकसान होता है, जान का भी और माल का भी, यानी कि इंसान भी उसमें मरते हैं और धन की भी क्षति होती है। तो उन्होंने कलिंगा के मार के बाद युद्ध करना ही बंद कर दिया था और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इस तरीके से ये जो कलिंगा का युद्ध था उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट के रूप से जाना जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, अशोक जो राजा अशोक थे उनके देश में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था। उन्होंने अपने देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने देश को एडमिनिस्ट्रेशन को व्यवस्था को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, एम्पायर, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस एंड विलेज। 4 पार्ट्स में अपने राज्य को बांट रखा था जिससे कि उनके देश का काम बिल्कुल आराम से चलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। अब देखिए सोसाइटी, समाज क्या था, कैसा था उस टाइम में। द कास्ट सिस्टम प्रिवेल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, वुमेन वर गिवन ग्रेटर राइट। इस समय में औरतों को, लेडीज को बहुत ज्यादा अधिकार प्राप्त थे। दे वर डिस्टिंक्ट लॉ फॉर ईच कास्ट। मोस्ट ऑफ द पीपल वर फार्मर, राइस, व्हीट, बैरली। इस टाइम में लेडीज को बहुत ज्यादा अधिकार प्राप्त थे और समाज में जो लोग थे वो लोग आराम से अपना जीवन यापन किया करते थे और मोस्ट लोग फार्मर हुआ करते थे। और जो उनकी फसलें थी, वीट है, ग्रेन है और पल्सिस हैं, इन सब वेजिटेबल, इन सब की खेती भी किया करते थे। किंग अशोक पेड अटेंशन टू द एनवायरमेंट एंड कंज्यूमर राइट्स। अशोक राजा जो थे वो एनवायरमेंट यानी वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। धर्मशालाएं बनाना, कुएं खुदवाना, ये सब काम वो किया करते थे। सड़कें बनवाना, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखवाना, इस तरीके से वो अपने देश का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। इसीलिए उनको अशोक का ग्रेट भी कहा जाता है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखेंगे तो बेटा उस टाइम में अशोक ने बहुत बड़े बड़े पिलर्स बनवाए जिनके ऊपर बौद्ध धर्म के उपदेश भी लिखवाए थे। और जो हमारा, जो हमारे यहाँ स्तूप है, आपने देखा होगा, जो हमारे नेशनल एम्बलम है उस पर जो हमारे 4 शेरों की फोटो है, यानी कि सामने भी और साइड में भी, वो हमारे अशोक के स्तंभ से ही लिए हुए हैं। लेकिन बेटा धीरे धीरे मौर्यन आर्मी डिक्लाइंड, धीरे धीरे उनका पतन शुरू होना शुरू हो गया। अशोक वाज सक्सेडेड बाय वीक रूलर्स हु लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द वास्ट एम्पायर। जो अशोक के टाइम में राजा थे उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने धीरे धीरे उनको धोखा देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे राजा के, अशोक के राज्य का समापन होना शुरू हो गया। बेटा अब हम बताएंगे मौर्यन एम्पायर में जो फेमस यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला, तक्षशिला के बारे में हम आपको बताएंगे। तक्षशिला क्या था? तक्षशिला वाज द सीट ऑफ ब्रह्मिकल लर्निंग। देयर वाज अ यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। तक्षशिला में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी जहाँ से लोग दूर दूर से पढ़ने के लिए आते थे। ट्रेड बिटवीन तक्षशिला एंड साउथ इंडिया फ्लोरिस्ट। तक्षशिला से लोग बिजनेस भी किया करते थे। प्रोविंस स्टोन, पर्ल्स, गोल्ड एंड डायमंड वर ट्रेडेड। यहाँ से मोती का, पत्थरों का, जो प्रीशियस पर्ल्स थे उनका व्यापार हुआ करता था। ब्लैंकेट वर एन इम्पोर्टेड आइटम फॉर ट्रेड। ब्लैंकेट्स की भी बहुत ज्यादा व्यापार हुआ करता था। रोम, जिप, चाइना एंड श्रीलंका आल्सो हैड ट्रेड रिलेशन विद इंडिया। जो हमारे पड़ोसी देश थे वो भी हमारे साथ अपने फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करना चाहते थे, बिजनेस करना चाहते थे, क्योंकि हमारे यहाँ का सामान शुरू से ही बहुत ज़्यादा कीमती होता है। और आज भी बेटा हमारे देश में बहुत सारा ऐसा सामान है जिसका इम्पोर्ट हम करते हैं और इसी वजह से जो पड़ोसी देश हैं वो हमसे अट्रैक्ट भी होते हैं। नाउ लेसन इज कम्प्लीट। आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। Okay, have a nice day.